जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। शादी और कैरियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो जन्मदिन अनुसार शादी की जानकारी पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक है, वे अपनी कुंडली दिखाकर शादी की जानकारी पाए तो बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी को अपनी कुंडली सेंड करें, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड, तो आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप कर यह जानकारी पा सकते हैं कि आपको आपके माता पिता की सहमति से शादी करनी होगी या आपकी सहमति से शादी होगी। हम आपको मूलांक के हिसाब से यह जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। त्वरित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूट्यूब पर जानकारी देने में देर हो सकती है तो आप त्वरित जानकारी के लिए केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं तथा फोन कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर पर होगा ससुराल, किस नाम से शादी होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और कैरियर। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, साथ ही आपको कैरियर के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। यह सभी जानकारी आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक लिख कर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अथवा फोन कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको हिंदी में एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है तो आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आए और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। हमारी वीडियोज में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके भी नंबर नोट कर सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी है या तय होने वाली है, वे अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। ज्योतिषों की माने तो नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि होने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप विवाह करते हैं तो विवाह उपरांत आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ सकती है। वहीं अगर आप विवाहित हैं और वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, संतान प्राप्ति नहीं हुई है या आपके बीच अनबन है, आपके रिश्ते में दरार आ चुकी है, तो भी आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान अवश्य ही करा ले। इसके लिए मामूली फीस ली जाती है। तो यह आपको प्राथमिक जानकारी केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दी है। जिन जातकों को जरूरत हो वे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप जन्मदिन और जन्म अंक के हिसाब से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके लव मैरिज के योग हैं या नहीं और जन्मदिन के अनुसार से आपके शादी के योग कब बनेंगे। वहीं आपको कुंडली बनाकर विस्तार में सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। आप एडिशनल यानी कि अतिरिक्त कोई सवाल है वह भी आप जान सकते हैं। आज की वीडियो में आपको साल 2022 में जिन राशियों के विवाह के योग बन रहे हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ऐसी 5 राशियां हैं जिनके योग 100% बन रहे हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं कुछ प्राथमिक जानकारी विवाह संबंध को लेकर देता हूं कि कुंडली को कैसे देखा जाता है और कुंडली देखकर कैसे जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ज्योतिषों की माने तो कुंडली के जीवन साथी भाव को और पंचम भाव को, द्वादश भाव को, एकादश भाव को, लग्न भाव को विवाह हेतु देखा जाता है। ग्रहों को दो खेमे में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग को शुभ ग्रह और दूसरे वर्ग को अशुभ ग्रह की श्रेणी दी गई। शुभ ग्रह चंद्र, राहु, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को कहा गया है। वहीं अशुभ ग्रह मंगल, राहु, केतु और शनि को कहा गया है। तो शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। अधिकतम शादी की जो उम्र है वो 37 वर्ष है। 30 वर्ष अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में होती है, वहीं 37 वर्ष मांगलिक रहने पर, बुध शुक्र की युति रहने पर, काल सर्प दोष लगने पर, पितृ दोष लगने पर, ऐसी परिस्थितियों में 37 वर्ष तक शादी के योग बनते हैं।
तो अगर आपकी शादी में देर हो रही है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले, कुंडली अवश्य दिखा ले, तो आपको यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपकी शादी में क्यों देर हो रही है। तो मंगल राहु केतु शनि इनके रहने पर 30 वर्ष तक शादी होती है, वहीं शुभ ग्रह के रहने पर अधिकतम 27 वर्ष, जो कि सूर्य को माना जाता है कि सूर्य के रहने पर 27 वर्ष तक शादी होती है। तो शुभ ग्रह के रहने पर अधिकतम 27 वर्ष तक शादी होती है और अशुभ ग्रह के रहने पर अधिकतम 37 वर्ष तक, 30 वर्ष तक शादी होती है। और वहीं किसी विशेष दोष के चलते अगर विवाह नहीं हो रही है तो 37 वर्ष तक शादी के योग बनते हैं। तो आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो साल 2022 में मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातकों के विवाह के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं और 2022 में आपके लिए विवाह के 100% योग बनने वाले हैं। ज्योतिषों की माने तो मेष राशि के जातकों के लिए 2022 बेहद ही बेहतर रहने वाला है। जो जातक अभी तक सिंगल है उन्हें जीवन साथी मिल सकता है। नए साल में लव पार्टनर की एंट्री होने वाली है। वहीं दूसरी ओर जो जातक पहले से प्यार के रिश्ते में बंधे हैं उनकी 2022 में शादी होने की संभावना है। मैरिड कपल्स के लिए भी यह साल बेहद खुशनुमा रहने वाला है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपकी PRA नाम के जातक से शादी होने की संभावना बन रही है। पुरानी समस्याओं का नाश हो जाएगा, यानी कि अगर विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है तो साल 2022 में निश्चित ही समाप्त हो जाएगी और आपकी विवाह की योग बनने लगेंगे। अगली राशि वृषभ राशि है। तो ज्योतिषों की माने तो साल 2022 में वृषभ राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं। वृषभ राशि के जातक जो अभी तक सिंगल है नए साल में नए रिश्तों में बन सकते हैं, यानी कि उनके जीवन में कोई ना कोई अवश्य ही आने वाला है। बता दें कि बेहद अप्रत्याशित तरीके से प्यार इनकी जिंदगी में एंट्री करेगा। झट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति बनने की संभावना, यानी कि आपके मिनटों में काम बन जाएंगे और विवाह के योग भी बन रहे हैं कि साल 2022 में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर के मध्य आपकी झट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थिति में आपकी शादी हो ही जाएगी। तो वृषभ राशि के जातक जो 23 वर्ष से अधिक है उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगली राशि धनु राशि है। तो धनु राशि के जो राशि स्वामी हैं वो स्वयं गुरु हैं और गुरु राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मार्गी हो चुके हैं। इस वजह से धनु राशि के जातकों की विवाह के योग बन रहे हैं। जन्मदिन के हिसाब से महज 21वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में धनु राशि के जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों की लव लाइफ आने वाले समय में अच्छी रहने वाली है। जिन कपल्स की शादी में रुकावटें आ रही, यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं और लव मैरिज हो नहीं पा रही है, तो भी आपके योग बन रहे हैं कि सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा और आपके प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। विवाहित जोड़ों के लिए नया साल अच्छा बीतने वाला है और आप अपने पार्टनर के साथ बेहद ही बेहतर हनीमून ट्रिप पर जा सकते हैं। अगली राशि मकर राशि है। तो ज्योतिष की माने तो मकर राशि के जातकों का इंतजार की घड़ी खत्म होने वाला है। साल 2022 में लव पार्टनर आपकी बातों से सहमत होंगे और आप एक दूसरे के माता पिता से मिलेंगे, इससे आपके विवाह के योग बनेंगे। अपने बातचीत को जारी रखें, अपने बातों को अपने माता पिता के समक्ष रखें तो फिर आपकी बात बनेगी और अवश्य ही बनेगी। वहीं शादी का इंतजार कर रहे जातकों के घर में सहनाई बजने के योग बन रहे हैं, यानी कि मकर राशि के जातकों के भी लव मैरिज के योग बन रहे हैं। लव पार्टनर्स के लिए साल 2022 में मई 2022 से जुलाई 2022 के बीच शादी करना शुभ रहेगा, यानी कि अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं तो मई से लेकर जुलाई के मध्य जो विवाह के योग हैं उन दिनों में अगर आप विवाह करते हैं तो यह आप दोनों के लिए बेहतर होगा। जिन जातकों की शादी में रुकावटें आ रही हैं उनकी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगली राशि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि 13 अप्रैल तक जो है गुरु मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 13 अप्रैल तक रहेंगे। इस वजह से कुंभ राशि के जातकों की 20 नवंबर से 13 अप्रैल तक विवाह के 100% योग बन रहे हैं। वहीं पहले से प्यार में पड़े जातकों का रिश्ता इस साल बेहद ही मजबूत होगा और वे शादी की योजनाएं बना सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों के लिए भी नए साल में रिश्तों में मजबूती आएगी। हालांकि सिंगल जातकों को लव पार्टनर के लिए साल के दूसरे हिस्से तक इंतजार करना पड़ सकता है, यानी कि अगर आप प्रेम प्रसंग में पढ़ना चाहते हैं तो आपको
सेकेंड हाफ यानी कि बोले तो अगस्त के बाद जीवन साथी मिल सकता है। तो कुंभ राशि के जातकों के भी विवाह के योग बन रहे हैं, 13 अप्रैल तो तक 100% योग बन रहे हैं। और जब गुरु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो गुरु जो है कुंभ राशि के द्वितीय भाव में आ जाएंगे, इस वजह से कुंभ राशि के जातकों के रोजगार कारोबार में उन्नति होगी, साथ ही बने हुए बिगड़े काम बन जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको उन राशियों के बारे में बताया जिनके विवाह के योग साल 2022 में बन रहे हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो केपी कीवानी से संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित हुआ ज्योतिष से संपर्क कर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक कर कमेंट कर शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही माता रानी कृपा पाने के लिए आप रोजाना माता रानी को स्मरण करें, माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप स्वपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। तो जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे, आप जहां रहें मस्त रहें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे सतमार्ग दे आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।